इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि दो वैरायटी के बारे में जो डॉक्टर की हैं और अच्छी से अच्छी वैरायटी हैं, वो कैसी है छोटी वाली और बड़ी कैसी है, और आपको ये बताऊंगा ये कितनी प्राइस में आती है और वो कितनी प्राइस में आती है, छोटे किसान लगा सकते हैं या नहीं, और आपको ये बताऊंगा दोस्तों कि गोभी में कौन सा खाद डालना चाहिए, और आपको एंड पे मैं दोस्तों ये भी बताऊंगा कि दोस्तों कि हाइब्रिड बीज कैसा रहता है, और आपको एक एक बारी बारी से डिटेल्स दूंगा दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजगर सेफ। चलिए दोस्तों इसी डिब्बे के बारे में बात कर लेते हैं जो बड़ा है और 250 ग्राम का है, वो लगभग 600 से लेकर 700 तक आ जाता है आपको बाज़ार में, इसकी कीमत है, और छोटा किसान जरूर लगा सकता है इसको। लेकिन दोस्तों जो किसान सहेली से शुरुआत गोभी कर रहा है वो हमेशा डॉक्टर के सीड से ही खेती करें, क्योंकि अच्छा बेनिफिट होता है। जब तक आपका पौधा तैयार नहीं होता, जब तक गोभी निकलता नहीं है, ये इसकी खास और है दोस्तों कि सर्दी जैसी पड़ती है खट 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 कर कट जाता है, और अच्छी क्वालिटी इसमें। अब बात कर लेते कब तक लगाना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको इसकी नर्सरी आप दोस्तों जुलाई से लेके 10 अगस्त तक कर सकते हैं, जो 250 ग्राम का डब्बा है काफ़ी अच्छा है, और इसकी नर्सरी कर सकते हैं, हमने की है। थोड़ा लेट हो गया वीडियो डालने में, क्योंकि नर्सरी आपको दिखानी पड़ती है किस तरीके से, तो इसलिए लेट हो गई है दोस्तों। डॉक्टर का भी ए बी सीट है, और ये बहुत ही छोटा सा डब्बा है, 100 ग्राम का है, काफ़ी अच्छा है। 100 ग्राम का डब्बा है, इसमें लगभग कम से कम 10,000 सीट निकलते हैं दोस्तों एक डब्बे में, और 250 ग्राम में भी आते हैं वही लगभग 20 से 25,000 के लगभग आती हैं सीट उसमें भी। और दोस्तों इसमें एक खासियत ये है कि जब तक आपका पौधा तैयार नहीं होता ये भी निकलता है, और अच्छा फूल कम से कम लगभग 700 से लेकर 1.5 किलो तक इसका गोभी का फूल निकलता है, और वाइटनेस बहुत अच्छी रहती है इसमें दोस्तों, काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि ये आप अगस्त में इसकी नर्सरी तैयार करके लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है, क्योंकि ये सब सर्दियाँ पड़ती हैं तो काफ़ी अच्छा सीट निकलता है, और वाइटनेस ऐसा दिख रहा है वैसा ही निकलता है। अब बात कर लेते हैं DAP के बारे में दोस्तों, इसमें DAP बहुत ज़रूरी है, और जुताई पहले आप एक एकड़ में 25 किलो डालते हैं तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है, और आप ये नहीं करते हैं तो लगभग एक बीघा में 2 ट्रॉली आप डरवाते हैं गोबर खाद, तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा आपको भी, और कम से कम रासायनिक खाद लगेगा, काफ़ी अच्छा फूल निकलेगा, और आपकी अच्छी खेती होगी, बहुत दमदार दोस्तों। अब बात कर लेते हैं सीट कंचन अच्छा है या 250 ग्राम का एक अर्थ के अच्छा है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो कंचन है वो एक एक सीट उसके अच्छे बेहतर निकलते हैं, और जो 250 ग्राम का कथकी है दोस्तों प्राइस सेम है, और लगभग दोस्तों इसके जो कम से कम ऐसे 10% सीट हैं वो थोड़े से डैमेज हो जाते हैं, और लगभग दोनों का अच्छा निकलता है, ये बात दोस्तों सेम है और अच्छी है दोस्तों। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, हम चाहते हैं कि किसान की अर्निंग बहुत अच्छी हो और अच्छी खेती कर सके। आपको अभी कौन सा बीज लगाना है गोभी का और मिर्च का, और आप सोच रहे हैं हाइब्रिड में भी लगा सकता हूं मैं, जैसे सुपर वेराइटी का बीज हो, और बहुत सारे सीड्स आते हैं मार्केट में, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमको ये सीड खरीदना चाहिए कि ये नहीं खरीदना चाहिए, इसलिए दोस्तों मैंने आपके लिए ये चैनल खोला है। इसमें हम आपको क्या क्या बताते हैं, देखिए दोस्तों सीड के बारे में बताते हैं, और किसानों को इंटरव्यू लेते हैं, और कौन कौन सी आप किस मान फसल लगा सकते हैं उसके बारे में बात करती हैं, और गोभी और मूली, और इस बार चर्चा क्यों है क्योंकि ये विषय है इस टाइम का, और मूली की खेती की अपनी वीडियो नहीं देखी जाके चेकआउट कीजिए, काफी अच्छा बेनिफिट है, और 2-3-4 दिन बाद दोस्तों मूली की वीडियो आने वाली है, क्योंकि अभी मैंने सुन नहीं की, 2-4 दिन लगेंगे क्योंकि मूली हार्वेस्टिंग हो चुकी है, थोड़ी सी बची है आप तक शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि हार्वेस्टिंग के दौरान मुझे समय नहीं मिला दोस्तों, तो ये वीडियो में टाइम हो गया। तो अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलेंगे एकदम नेक्स्ट वीडियो में। तो जय जवान जय किसान।